नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों को पावर की कमी होगी, शीघ्र पतन की समस्या होगी और आप में से काफी सारे लोग अपनी टाइमिंग बढ़ाने के इच्छुक होंगे। तो आज मैं आपको टाइमिंग बढ़ाने की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा और इस वीडियो में मैं सीधे आपको वे ऑफ ट्रीटमेंट बताऊंगा कि कैसे आप ये मेडिसिन ले सकते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा एक कॉम्बिनेशन है पावर को बढ़ाने के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, 5x हाई पावर कॉम्बिनेशन। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इस वीडियो के, और साथ ही साथ आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। 5x हाई पावर कॉम्बिनेशन को यूज़ करके काफ़ी लोगों ने अपनी टाइमिंग बढ़ाई है, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगा इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करने का, और साथ ही साथ इसके साथ दो और मेडिसिन बताऊंगा जिसको आप लेंगे तो आपको बहुत आराम लगेगा। तो वीडियो आखिरी तक देखिएगा। सबसे पहले, अगर आपको टाइमिंग बढ़ानी है, आपको बहुत ज़्यादा शीघ्र पतन की समस्या हो रही है, तो 5x हाई पावर कॉम्बिनेशन ज़रूर यूज़ करें। इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को क्लिक करें और वीडियो देखें, वो मेडिसिन खुद से बनाएं, और बनाने के बाद आप दो बूंद सुबह पिए, दो बूंद दोपहर में पिए और दो बूंद रात में पिए। खासकर रात में पीना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप चाहें तो दोपहर वाला स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, सुबह दो बूंद और रात में दो बूंद भी पी सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, अगर टाइम है तो दिन में 3 बार पिए, नहीं तो कम से कम 2 बार पिए, और बिल्कुल टाइम नहीं है तो रात में ज़रूर पिए। 5x हाई पावर कॉम्बिनेशन 2 बूंद रात में लेना है। इस मेडिसिन को शुरुआत में आप लीजिएगा तो लगभग 15 दिन में आपको 10% आराम लगेगा, क्योंकि इन मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें किसी भी तरह का स्टेरॉइड या कोई भी केमिकल नहीं है, तो आराम धीरे धीरे लगेगा लेकिन परमानेंटली आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो 15 दिन में 10-15% आराम लगेगा, इससे ज़्यादा लगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं लगेगा। मेडिसिन कंटिन्यू करिएगा, लगभग 1 महीने तक 25% आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ जाएगी। मेडिसिन और कंटिन्यू करिएगा, इसे आप लगभग 2 से 3 महीने लेंगे, लगभग 50% आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और टाइमिंग थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। इसे कंटिन्यू करिएगा, 6 महीने तक आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आपने 5x हाई पावर कॉम्बिनेशन बना लिया है, 2 बूंद डायरेक्टली टंग में इसे टपकाना है, पीना है, सुबह 1 बार, दोपहर में 1 बार और रात में 1 बार। रात में लेना इसका बहुत ही आवश्यक। अब दूसरी मेडिसिन, जो कि एक कॉम्बिनेशन ही है, इस कॉम्बिनेशन में आपको सिंपली 3 मेडिसिन मिलानी है, अश्वगंधा मदर टिंचर, डैमियाना मदर टिंचर और जिनसेंग मदर टिंचर। अश्वगंधा के बारे में आप सब जानते हैं कि ये पावर को बढ़ाती है, साथ ही साथ जो सीमेन क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है, स्पर्म क्वालिटी इम्प्रूव करती है, स्पर्म मोर्टिलिटी रेट, ये सब ये ठीक करती है, और साथ ही साथ ये टाइमिंग बढ़ाती है। ठंडियों में आपको ज़रूर अश्वगंधा लेना चाहिए, गर्मियों में भी आपको अश्वगंधा लेना चाहिए। ये आपके शरीर में चुस्ती, स्फूर्ति और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, और ये सब इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली टाइमिंग इम्प्रूव हो जाएगा। तो अश्वगंधा आप मदर टिंचर में यूज़ करें। दूसरी मेडिसिन है डैमियाना। इस पर मैंने एक वीडियो पहले से ही बना के रखा हूँ, सब वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अश्वगंधा का वीडियो भी देख लीजिएगा, डैमियाना का भी वीडियो देख लीजिएगा। डैमियाना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, पावर को इंक्रीज करती है, साथ ही साथ ये टेस्टोस्टेरोन को भी थोड़ा सा बढ़ाती है, जिसके कारण आपकी टाइमिंग इम्प्रूव होती है। तीसरी मेडिसिन है जिनसेंग। जिनसेंग से सीमन का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, पावर बढ़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, और साथ ही साथ आपके अंदर थोड़ी सी गर्मी आती है जिससे टाइमिंग इम्प्रूव होती है। तो आपको तीनों मेडिसिन, डैमियाना मदर टिंचर, अश्वगंधा मदर टिंचर और जिनसेंग मदर टिंचर, ये तीनों को मिलाना है बराबर मात्रा में। तो क्या करिएगा, आप अश्वगंधा मदर टिंचर 30 ml में ले लीजिएगा, SBL या WSI की, ऐसे ही आप जिनसेंग मदर टिंचर ले लीजिएगा 30 ml में, और ऐसे ही आप डैमियाना मदर टिंचर ले लीजिएगा 30 ml में। उसके बाद आपको क्या करना है, 100 ml की खाली CC लेना है, तीनों को बराबर मात्रा में डाल देना है, 30-30 ml डालेंगे, 90 ml होगा, थोड़ा सा जगह खाली रहेगी। ड्रॉपर वाली CC ज़रूर लीजिएगा, ड्रॉपर लगाइएगा, ढक्कन लगाइएगा, थोड़ा सा हिला लीजिएगा, ये बन गया कॉम्बिनेशन आपका, इसे आप लीजिए
20 बूंद आधे कप पानी में, सुबह एक बार आधा कप पानी लीजिए, 20 बूंद डालिए सुबह एक बार पीजिए, और रात में लगभग 30 से 40 बूंद आधे कप पानी में डाल के पीजिए। तो दो बार इसे पीना है। लास्ट में जो मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई नहीं बताता, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। उसे आप दर्द के लिए हमेशा लेते हैं, लेकिन अगर आप वो टाइमिंग बढ़ाने के लिए लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, आर्निका एक्चुअली में करती क्या है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत जल्दी इम्प्रूव कर देती है और ब्लड को थोड़ा सा पतला कर देती है, जिसके कारण आपकी टाइमिंग बढ़ जाती है। ये मैं एक बार अचानक से, एक पेशेंट थे, उनको दर्द होता था कमर में, मैंने उन्हें आर्निका दिया और वो आके मुझे बताया, डॉक्टर साहब ये कौन सी मेडिसिन है, इससे मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट लगा और इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लगा, मेरी टाइमिंग बढ़ गई वगैरह वगैरह, तो आप ज़रूर मुझे बताएं। तो मैंने बोला कि आर्निका दिया है और वो दर्द के लिए दिया। बोले दर्द में तो आराम लग ही गया, लेकिन मुझे इसमें बहुत फ़ायदा है। तो मैंने कुछ पेशेंट्स को ये मेडिसिन दे के देखी और यकीन मानिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन है, मतलब आपको कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट को मैंने देकर देखा है और इससे टाइमिंग बढ़ी है, इसलिए मैं इस वीडियो में स्पेशली आपके लिए ये मेडिसिन बता रहा हूँ। तो आर्निका 200 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में दो बूंद रात में लें। तो आपको तीन मेडिसिन लेनी है, एक तो मेरा 5x हाई पावर कॉम्बिनेशन, दूसरा एक कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया, और तीसरा आर्निका 200 दो बूंद रात में। ये तीन मेडिसिन आप लगातार लीजिए, 20 से 25 दिन लीजिए, इम्प्रूवमेंट लगे, आपको आराम लगे तो मेडिसिन कंटिन्यू करिए और फिर आप लगभग 3 महीने तक लीजिए, और ठीक लगने लगे तो इसे 3-4 महीने और ले सकते हैं। इन सभी मेडिसिन के किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप मेडिसिन ले के देखिए, अगर आराम लगे तो मेडिसिन कंटिन्यू करिए। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दिया तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।